गुड मॉर्निंग, आप सभी लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, अभी तक मैं अनुपूरक कार्रवाइयाँ यानी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग आपको बता चुका हूँ, मैं उस घटनाचक्र के बेस पर है और इस बेस पर आधारित जो प्रश्न कोश है, मैं आज उस पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि अभी तक हमारे ऑल इला क्लासेस स्टडीज पर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर कोई मैं वीडियो आपको डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग यानी अनुपूरक कार्रवाइयाँ। ये संहिता में जो कुछ भी है, ये जो आपके इम्पोर्टेंट ज़्यादातर पीसेज की प्री के क्वेश्चन में ज़्यादातर इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब ये दोस्तों प्रश्न कोश से संबंधित है, मैं इसका जो व्याख्यान आपको बता चुका हूँ और यह है प्रश्न कोश। क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ, संहिता की कौन सी धाराएं अनुपूरक कार्रवाइयाँ से संबंधित है। अब ये बात करता है संहिता की कौन सी जो धाराएं हैं वो अनुपूरक कार्रवाई से संबंधित यानी सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग से संबंधित है, तो संहिता की धारा 94-95 यानी 94 और 95 है। संहिता की धारा 94 के अंतर्गत किन अनुपूरक कार्रवाइयों का वर्णन है, तो संहिता 94 के अंतर्गत यानी 94 के अंतर्गत निम्न अनुपूरक कार्रवाइयों का वर्णन है। पहला देखते हैं, पहला है निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी जो जजमेंट के पहले अरेस्ट है, यानी जजमेंट से पहले की अटैचमेंट की बात करता है, यानी निर्णय के पूर्व कुर्की। अस्थायी वैदेश यानी टेम्प्रेरी इंजेक्शन, किसी संपत्ति का रिसीवर अपॉइंट करने पर यानी किसी प्रॉपर्टी पर रिसीवर अपॉइंट करने पर। और पांचवा बात करता है अंतर्वर्ती आदेश जारी करना यानी इंटरलोकेटरी आदेश जो है इसकी बात करता है। पांच बात को आपको याद रखना है, पहला क्या है निर्णय की पूर्व गिरफ्तारी है, और दूसरी बात करता है निर्णय की पूर्व कुर्की, और तीसरी बात करता है अस्थायी विदेश, चौथी बात कहता है किसी संपत्ति का रिसीवर नियुक्त, और पांचवी बात करता है अंतर्वर्ती आदेश जारी करना। अब बात करता है कि देखते हैं कि ये है धारा 94 के अंतर्गत जो है अंतर्वर्ती आदेश विहित करने का उद्देश्य क्या है, तो ये उद्देश्य क्या है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय द्वारा न्याय के उद्देश्य को विफल किया जाना निवारित करने से हेतु ऐसी कार्रवाई की जाती है, यानी न्यायालय का न्याय के उद्देश्यों को विफल किया जाने या निवारित करने से ऐसी कार्रवाई की जाती है, तो कौन सी कार्रवाई की जाती है, तो उत्तर है। फिर दूसरा क्वेश्चन कहता है निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी और न्यायालय कब जारी करेगा, तो दो क्वेश्चन है, तो अब दो क्वेश्चन का आंसर देखिए, यानी उत्तर है धारा 38 आदेश 38 नियम के अनुसार वाद के किसी भी प्रकरण पर न्यायालय निर्णय की पूर्व गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है, यानी वाद की किसी भी स्टेज पर सूट की किसी भी स्टेज पर जो है जो न्यायालय है उससे जजमेंट से पहले गिरफ्तारी करने का आदेश दे सकता है। जबकि न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि न्यायालय को ये सेटिस्फाइड हो जाता है कि प्रतिवादी वादी को विलंबित करने यानी वादी जो है विलंबित करने या आदेश का बचने के लिए उसके विरुद्ध पारित किए जाने वाले डिग्री निष्पादन को बाधित या विलंबित करने के आशय है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आदेश 38 नियम 1 के अनुसार वाद के किसी भी स्टेज पर सूट के किसी स्टेज पर न्यायालय की जो जजमेंट है उससे पहले क्या कर सकता है, गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। कैसे दे सकता है, जब ये न्यायालय को कोई व्यक्ति ये सेटिस्फाइड कर दे कि प्रतिवादी वाद को क्या है लंबे समय तक ले जाएगा या विलंबित करने के आदेश का से बचने के लिए उसके विरुद्ध किए जाने वाले डिग्री को निष्पादन को बाधित करेगा, उसके अगेंस्ट में जो डिग्री हुई है उसको निष्पादन में क्या है विरोध करेगा, बाधित करेगा, रोड़ा डालेगा या विलंबित करने के आशय से पहले क्या है कि पहले बात किया कहता है न्यायालय के स्थानीय अधिकारता की सीमा से जो है न्यायालय की जो स्थानीय अधिकारता की सीमा से फरार हो गया हो, जो न्यायालय की जो जुरिडिक्शन है उससे क्या फरार हो गया हो या होने वाला या उसे छोड़ दिया हो या होने वाला हो या उसे छोड़ दिया हो या छोड़ने वाला हो, सीक्रेट कंडीशन के अपनी संपत्ति या उसके किसी भाग को वेनित कर चुका हो या उसे न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमाओं को हटा चुका हो,
और तीसरी बात करता हूँ भारत छोड़ने वाला हो, वो भारत छोड़ने वाला हो, ये बातें कही गई हैं। क्वेश्चन कहता है कि गिरफ्तारी के बाद ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से न्यायालय क्या अपेक्षा रखता है, यानी गिरफ्तार के बाद ऐसे गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति से न्यायालय क्या अपेक्षा रखता है। उत्तर, गिरफ्तारी के पश्चात न्यायालय नियम 2 के अनुसार प्रतिवादी को प्रतिभूति देने का आदेश देगा, जहां उसके उपसंजात के लिए प्रतिभूति जहां उसके उपसंजात के लिए प्रतिभू तथा वो प्रतिवादी के उपस्थित होने का व्यतिक्रम को निश्चित धनराशि देगा। अब बात करता है क्या प्रतिवादी की उपस्थिति के लिए बाध होने वाला प्रतिभू अपनी ऐसी बाध्यता से उन्मोचन हो सकता है। उत्तर, हाँ, आदेश 38 नियम 3 के अनुसार न्यायालय में आवेदन करके ऐसी बाध्यता को उन्मोचित हो सकता है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन है जहाँ प्रतिवादी नियम 2 या नियम 3 के अंतर्गत प्रतिभू देने में असफल रहता है या प्रतिभूति देने के कारण दर्शित नहीं करता है, वहाँ न्यायालय द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है। तो उत्तर है आदेश 38 नियम 4 के अनुसार ऐसे स्थिति में उसे सिविल कारागार में निरोधित करने का आदेश दिया जाएगा जब तक कि वाद का विनिश्चय न हो जाए। यदि डिग्री पारित कर दी गई है तो वहाँ जब तक डिग्री तुष्ट न कर दी जाए, यानी आदेश 38 नियम 4 के अनुसार ऐसी स्थिति में उसे भी सिविल कारागार में निरोध करने का आदेश दिया जाएगा जब तक कि वाद का विनिश्चय न हो जाए, या यदि डिग्री पारित कर दी गई हो वो वहाँ जब तक कि डिग्री तुष्ट न कर दी गई हो। क्वेश्चन है सिविल कारागार में निरोधित किए जाने के समय सीमा क्या है। तो आदेश 38 नियम 4 के परंतु के अनुसार सिविल कारागार में निरोध की अधिकतम सीमा 6 माह तक है। यदि वाद क्या विषय वस्तु रकम मूल 50 रुपये से अधिक नहीं है तो वो समय सीमा 6 सप्ताह तक होगी। किन मामले में निर्णय के पूर्व गिरफ्तारी नहीं हो सकता है। तो आदेश 38 नियम 1 के अनुसार जिन मामलों में निर्णय की स्थिति से पूर्व गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी वो निम्नलिखित हैं। पहले, अचल संपत्ति की पुनर्प्राप्ति के बाद, यानी जो अचल संपत्ति है उससे पुनर्प्राप्ति के बाद। दूसरा, अचल संपत्ति के बंटवारे का बाद। तीसरी बात, अचल संपत्ति बंधक या बंधक मोचन या पूर्वबंध या बिक्री के लिए वाद। फोर्थ बात करता है अचल संपत्ति के किसी हित या अन्य अधिकार का उधार के लिए वाद में। क्वेश्चन है संहिता के किस आदेश नियम में निर्णय के पूर्व कुर्की का उपबंद है। तो उत्तर है संहिता के आदेश 38 यानी 38 नियम 5 से 13 के अंतर्गत इस संबंध में उपबंध किए गए हैं। पहला क्या है, निर्णय से पूर्व कुर्की का आदेश न्यायालय का पारित कर सकता है। तो उत्तर है निर्णय के पूर्व कुर्की आदेश न्यायालय को वाद की किसी प्रकरण में पारित कर सकता है। क्वेश्चन है निर्णय के पूर्व कुर्की आदेश किन किन आधारों पर पारित की जा सकती है। तो उत्तर है संहिता के आदेश 38 नियम 5 1 के अनुसार ऐसे आदेश नियम आधारों पर दिया जा सकता है। पहला है जहाँ शपथ पत्र पर, जहाँ जो है शपथ पत्र पर वादी न्यायालय को समाधान कर देता है कि प्रतिवादी के विरुद्ध डिग्री को बाधित करने या विलंबित करने के आशय से प्रतिवादी अपनी पूरी संपत्ति या उससे किसी भाग को बेनित करने वाला है या अपनी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सीमा से हटा देने वाला है। अब क्वेश्चन कहता है यदि वादी उपरोक्त आधार पर न्यायालय के संतुष्ट कर देता है तो न्यायालय ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेगा। तो आदेश 38 नियम 5 1 के अनुसार ही न्यायालय प्रतिवादी के निर्देश दे सकेगा कि किसी ऐसे संपत्ति उसको मूल्य को या डिग्री के तुष्ट के लिए पर्याप्त भाग पेश करने या न्यायालय के विवाधीन रखने के लिए प्रतिभूत दे या उपसंजात होकर यह दर्शित करे कि प्रतिभूति क्यों न दी जाए। नियम 5(3) के अनुसार न्यायालय को यह भी निर्देश दे सकेगा ऐसे विनिर्दिष्ट पूरी संपत्ति का उसके किसी भाग को शासत कुर्की की जाए। नियम 5(3) के अनुसार ये निर्देश दे सकेगा, क्या कर सकेगा, निर्देश दे सकेगा ऐसे विनिर्दिष्ट पूरी संपत्ति उसके किसी भाग को, यानी पूरी संपत्ति या उसके किसी भाग को शासत कुर्की की जाए, यानी कंडीशनल जो है अटैच कर ली जाए। क्वेश्चन है यदि आदेश 38 नियम 5(1) के प्रावधानों के अधीन प्रतिवादी की संपत्ति कुर्क करने से पूर्व प्रतिभूति देने के कारण
बताओ नोटिस नहीं दिया जाता तो क्या परिणाम होगा? तो उत्तर है आदि 37 नियम 5 और सबसे शुरू 4 के अनुसार ऐसे अनुबंध के अनुपालन पर कुर्की शून्य होगी। क्वेश्चन है 38 की आदि 37 के अंतर्गत दिए गए संपत्ति की कुर्क का निष्पादन किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर है आदि 37 नियम 7 के अनुसार आदि 37 के अंतर्गत संपत्ति की उसी रीत से निष्पादित की जाएगी जिस रीत से डिग्री को निष्पादन में संपत्ति कुर्क की जाती है। क्वेश्चन है यदि निर्णय से पूर्व कुर्क के आदेश दिया जाए और यदि प्रतिवादी प्रतिभूत सहित कुर्क के खर्चे दे सकता है तो वाद खारिज हो जाता तो ऐसे कुर्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आदि 37 नियम 9 के अनुसार यहाँ न्यायालय के कुर्क के प्रत्याहार का आदेश देगा। क्या निर्णय के पूर्व की गई कुर्क पर व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करेगा और बिक्री के लिए आवेदन करने से डिग्री से वर्जित करेगा? उत्तर नहीं। संहिता के आदि 37 नियम 10 इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान करता, अतः निर्णय से पहले कुर्क ना तो पर व्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित होगा और न ही कुर्क की कोई डिग्रीदार विक्रय के लिए आवेदन करने से मना किया जाएगा। क्वेश्चन है क्या निर्णय से पहले कुर्क की गई संपत्ति डिग्री के निष्पादन में पुनः कुर्क की जाएगी? उत्तर नहीं। आदि 37 नियम 11 के अनुसार संहिता की कौन सी संपत्ति निर्णय से पूर्व कुर्क की नहीं हो सकती है? उत्तर आदि 37 नियम 12 के अनुसार कृषि उपज निर्णय से पूर्व कुर्क के आदेश को कुर्क नहीं की जा सकेगी। क्वेश्चन है क्या लघुवाद न्यायालय स्थावर संपत्ति की कुर्क का आदेश दे सकता है? उत्तर नहीं। आदि 37 नियम 13 के अनुसार लघुवाद न्यायालय को स्थावर संपत्ति की कुर्क का आदेश देने का अधिकार नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्यवदेश को परिभाषित कीजिए। तो हफसरी के अनुसार व्यवदेश एक ऐसा सिविल कार्रवाई है जिसके द्वारा किसी पक्षकार को कोई विशिष्ट कार्य करने या ना करने से आदेश दिया जाता है। व्यवदेश कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यवदेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी व्यवदेश तथा अस्थायी व्यवदेश। इसके अतिरिक्त व्यवदेश निम्नलिखित भी हो सकते हैं। सेकंड क्या है, घोषणात्मक व्यवदेश होता है और समादेशात्मक व्यवदेश होता है। अस्थायी व्यवदेश की सर्वमान्य परिभाषा क्या है? तो उत्तर आदेश अस्थायी व्यवदेश एक ऐसा आदेश है जो न्यायालय द्वारा वाद के किसी प्रक्रम पर वादग्रस्त संपत्ति को वाद के अंतिम निर्णय तक न्यायालय के अग्रिम आदेश तक स्थिति बनाए रखने के लिए प्रदान किया जाता है। अस्थायी व्यवदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अस्थायी व्यवदेश का जो मुख्य उद्देश्य है अस्थायी व्यवदेश का मुख्य उद्देश्य वाद को लंबित रहने के दौरान वादग्रस्त संपत्ति को संरक्षण प्रदान करना है। क्या अस्थायी व्यवदेश देना न्यायालय का विवेक अधिकार है? उत्तर हाँ। न्यायालय अस्थायी व्यवदेश जारी करने का भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। संहिता में अस्थायी व्यवदेश संबंधी कहाँ उपबंध दिए गए हैं? तो उत्तर है संहिता के आदेश 39 105 तक अंतर्गत दिए गए हैं। सिविल न्यायालय के अस्थायी व्यवदेश जारी करने के पूर्व किन सिद्धांतों का अनुसरण करेगा? उत्तर सिविल न्यायालय के अस्थायी व्यवदेश मंजूर करने से पूर्व निम्न सिद्धांतों का विचार करेगा। पहला क्या है? पहला ये देखेगा कि प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है। दूसरी देखेगा सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में है। यदि ऐसा व्यवदेश जारी न किया गया हो तो वादी की अपूर्णीय क्षति होगी। तीसरी क्वेश्चन कहता है कि किन आधारों पर अस्थायी व्यवदेश मांग सकता है, जो क्या ग्राउंड है जो अस्थायी व्यवदेश जो है मांग सकता है। तो आदेश 39 यानी 39 नियम 1 में वे आधार जो बताए गए हैं जिनके आधार पर वादी अस्थायी व्यवदेश मांग कर सकता है जो नियमित है। पहला क्या है, फर्स्ट कहें विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में यह खतरा है कि वाद का कोई पक्षकार उसे नष्ट करेगा या नुकसान पहुंचाएगा। यानी विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में यह खतरा है कि वाद का कोई भी पक्षकार उसे नष्ट करेगा या नुकसान पहुंचाएगा या उसे सदोष विक्रय कर देगा। दूसरी कंडीशन कहता है प्रतिवादी ऋण धारकों के साथ कपट करने के आशय से अपनी संपत्ति को हटाने के बयानित करने की धमकी देता है या आशय रखता है। थर्ड कहता है प्रतिवादी वादी के विवादग्रस्त संपत्ति के से बेकब्जा करने या वादी को संपत्ति से क्षति पहुंचाने के लिए धमकी देता है।
फोर्थ कहता है नियम दो के अनुसार संविदा भंग करने या किसी अन्य प्रकार की क्षतियाँ संविदा कार्य करने से रोकने के लिए। फिफ्थ का अन्य कोई आधार जो धारा 151 के अंतर्गत विनिर्देश के रूप में प्राप्त करने को पर्याप्त हो। संहिता के आदेश 39 नियम 1-2 के अधीन पारित विनिर्देश का क्या प्रभाव है? तो उत्तर है ऐसा विनिर्देश का अनुपालन पक्षकार पर बाध्यकारी होगा। क्वेश्चन है यदि किसी पक्षकार के विरुद्ध अस्थायी विनिर्देश जारी किया गया है तब उसके द्वारा इसकी अवहेलना भंग करने का या क्या परिणाम होगा? तो उत्तर है आदेश 39 नियम 2 के अनुसार ऐसे अवहेलना या भंग के निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला, ऐसे पतवादी की संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी तथा ऐसी कुर्क एक वर्ष तक प्रभाव में रह जाएगी। दूसरी, यदि एक वर्ष के अवध के दौरान भी अवहेलना या भंग जारी रहता है तो ऐसी कुर्क की गई संपत्ति बेचकर क्षतिग्रस्त पक्षकार को उचित क्षतिपूर्ति की जाएगी। तीसरा है, उसे सिविल कारावास 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। क्या न्यायालय अस्थायी विनिर्देश के संबंध में एक पक्षीय विनिर्देश जारी कर सकता है? उत्तर हाँ, आदेश 39 नियम 3 के परंतु के अनुसार यदि न्यायालय को यह लगेगा कि पतवादी को वाद के संबंध में वादी के विनिर्देश के आवेदन पर वादी विनिर्देश के आवेदन पर सूचना देना विलंबकारी होगा और ऐसे विलंब के कारण विनिर्देश का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा, वह न्यायालय एक पक्षीय कार्रवाई द्वारा एक पक्षीय विनिर्देश पारित कर सकता है। एक पक्षीय विनिर्देश पारित करते हुए न्यायालय वादी को कौन सी कार्रवाई करने में अज्ञातमक विनिर्देश आदेश दे सकता है? तो उत्तर है आदेश 39 नियम 3 के अनुसार एक पक्षीय विनिर्देश जारी करते हुए सिविल न्यायालय वादी की आदेशितता का आदेश करता है कि वो पतवादी को तत्काल विनिर्देश के आदेश के साथ साथ वाद पत्र एवं शपथ पत्र के साथ साथ अन्य दस्तावेज के पत्र यथाशीघ्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा उसी दिन या उसके आदेश पारित होने के अगले दिनों तक में दी जाए। क्वेश्चन है, जहां न्यायालय विरोधी पक्षकार को सूचना बिना दिए एक पक्षीय विनिर्देश जारी करता वहां मामले के निपटारे न्यायालय द्वारा कितने दिनों के अंदर किया जाना चाहिए? उत्तर आदेश 39 नियम 3-1 अनुसार ऐसी स्थिति न्यायालय यथासंभव 30 दिन के निपटारा करने का प्रयास करेगा और जहां ऐसा करने का असमर्थ हो इसका कारण लिखेगा। क्वेश्चन है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 226-227 रिट मामले में विनिर्देश आदेश जारी किया जा सकता है? तो उत्तर नहीं, उच्च न्यायालय 226-227 के अंतर्गत विनिर्देश जारी नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस में आनंद लोक शाहकारी आवास समिति लिमिटेड बनाम सूबेदार सिंह AR 2001 SSC निर्णय दिया है। अंतर्वर्ती या वादकालीन आदेश संबंधी उपबंध कहाँ दिया गया है? तो संहिता के धारा 39 नियम 6-10 के अंतर्गत दिए गए हैं। अंतर्वर्ती या वादकालीन आदेश क्या है? अंतर्वर्ती या वादकालीन आदेश हुए आदेश हैं जो कि किसी वाद के दौरान दिए जाते हैं, यानी किसी जो है जो सूट के दौरान जो है यानी मुकदमे के दौरान दिए जाते हैं, जो अंतिम नहीं होते, जो फाइनल नहीं होते हैं। रिसीवर कौन है? रिसीवर से तात्पर्य न्यायालय द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति से है जो मुकदमेबाजी के समय वध या विवादग्रस्त संपत्ति का प्रबंध करता है। जो रिसीवर के जो रिसीवर का आशय यह है कि न्यायालय द्वारा अपॉइंट किया जाता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो मुकदमेबाजी के जो समय सीमा है या विवादग्रस्त संपत्ति का जो है वो पूरा देख रेख करता है, प्रबंध करता है और उससे संबंधित जो कोई भाटक यानी किराया या उससे कोई उपज लाभ या आय आदि संग्रह भी करता है। आदमी जो कुछ भी लेता हो तो उसे जो है कलेक्ट भी करता है। ठीक, क्या रिसीवर न्यायालय का अधिकारी होता है? तो उत्तर हाँ, रिसीवर जो है न्यायालय का अधिकारी होता और उसी का प्रतिनिधित्व करता है, ना कि पक्षकारों का। रिसीवर की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रिसीवर की नियुक्ति करने का मुख्य उद्देश्य वाद के पक्षकारों के हितों को रक्षा करना तथा विवादग्रस्त संपत्ति को क्षति होने से बचाना। संहिता में रिसीवर के बारे में ओपन कहाँ दिए गए हैं? तो संहिता के आदेश 40 नियम 1-5 के अंतर्गत न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति कब कर सकता है? तो आदेश 40 नियम 1 अनुसार न्यायालय यदि न्याय संकट हो सुविधापूर्ण समझो तो विवादित संपत्ति को रिसीवर चाहे तो डिग्री से पूर्व या पश्चात नियुक्त कर सकता है। न्यायालय रिसीवर को कौन कौन शक्तियां दे सकता है? तो आदेश 40 नियम 1 अनुसार न्यायालय
निम्न वो सभी सख्त कोई भी सख्त रिसीवर को दे सकता है। पहला क्या है, वादों को, पहला क्या है, वादों को संरक्षित करने तथा वाद की प्रतिरक्षा करने की, संपत्ति के आयन प्रबंध संरक्षण परीक्षण एवं सुधार की। तीसरी कर्ता कहता है कि संपत्ति भाटक एवं लाभों को संग्रह करने की, ऐसे संग्रहित भाटक एवं लाभों को उपयोग बयान करने की, दस्तावेज के निष्पादन के ऐसे अन सकते जिस न्यायालय उचित समझे। क्वेश्चन, रिसीवर की पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान किस नियम में है, तो आदेश 40 नियम 2 में रिसीवर पारिश्रमिक दिए जाने का उपबंध करता है जो कि न्यायालय के समान या विशेष आदेश द्वारा तय किया जाएगा। रिसीवर का कर्तव्य क्या, तो आदेश 40 नियम 3 के अंतर्गत रिसीवर के कर्तव्य का वर्णन है जो निम्न है। पहला क्या है, वो संपत्ति के संबंध में जो कुछ भी प्राप्त करेगा उसको लेख देना, ऐसे प्रतिभूति देगा जो न्यायालय उचित समझे। वो अपनी लेखाओं को न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट समय और ऐसे प्रारूप देगा। तीसरी कहते हैं, ऐसे जैसे न्यायालय निर्दिष्ट करे रिसीवर अपने द्वारा शोध रकम संदत करेगा। फोर्थ कहता है, वो अपने जानबूझकर किए गए चूक पर अपने घोर उपेक्षा या संपत्ति में हुई हानि का उत्तरदायी होगा। यदि रिसीवर का आदेश 40 नियम 3 के अंतर्गत उपबंध कर्तव्य भंग करता है या असफल रहता तो उसे क्या दंड दिया जाएगा। उत्तर है, उत्तर आदेश 40 नियम 4 के अनुसार ऐसी स्थिति में न्यायालय रिसीवर को संपत्ति कुर्क का निर्देश दे सकता और ऐसी संपत्ति विक्रय कर सकेगा। रिसीवर कैसे बनाया जा सकता है, तो उत्तर है, रिसीवर किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है। जो रिसीवर हो किसी भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो निष्पादक है तथा उसके विवादग्रस्त संपत्ति में कोई हित होना नहीं चाहिए। वाद के पक्ष का रिसीवर नियुक्त हो सकता है। क्या क्रिएटर रिसीवर नियुक्त हो सकता है, तो आदेश हाँ, आदेश 40 नियम 5 के अनुसार जहाँ वादग्रस्त संपत्ति ऐसी भूमि है जिसमें राज्य सरकार को राजस्व मिलता है और न्यायालय की राय है कि ऐसे करने में समस्त हिताधिकारी लाभान्वित होंगे, तो न्यायालय कलेक्टर जिलाधिकारी को उसकी सहमति से ऐसी संपत्ति भूमि या रिसीवर नियुक्त कर सकता है। क्या रिसीवर अपने अधिकार का प्रत्योजन कर सकता है, तो उत्तर नहीं। प्रापक की स्थिति में न्यासवत होती है और वो न्यायधारी के रूप में कार्य करता है, अतः न्यायधारी के तरह वो भी अपने अधिकार का प्रत्योजन नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत डेलीगेटेड नॉन पोस्टेस्ट डेलीगेटेड के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, मैं प्रश्न को जो है MCQ जो है यहीं से समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।